वेलकम लर्नर्स, माय चैनल डियर लर्नर्स, आई होप कि आपने लॉजिक कनेक्टिविटी जो मैंने आपको करवाए थे उसका फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स की डेफिनेशन के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको बताया था कंजंक्शन के बारे में, फिर मैंने डिस्कस करा था डिसजंक्शन, देन निगेशन के बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इम्प्लीकेशन। डियर लर्नर्स, इम्प्लीकेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? इस सिंबल को यूज करेंगे। This is implication. The proposition A implies B. With this connective, it is known as A implies B. यहाँ पे X, Y भी आ सकता है, P, Q भी आ सकता है, ठीक है? तो अगर ऐसे लिखा हो that X, तो आप क्या बोलोगे? X implies Y. जैसे कि यहाँ पे given है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफ देन प्रपोजिशन। इसको हम और कौन सी प्रपोजिशन बोलते हैं? इफ देन प्रपोजिशन। हियर द सेकेंड प्रपोजिशन इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट प्रपोजिशन। कि जो सेकेंड प्रपोजिशन है वो कॉन्सिक्वेंस है किसका? फर्स्ट प्रपोजिशन का। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें, इफ मैरी स्कोर्स गुड इन एग्जामिनेशन I will buy a mobile phone for her. आप देख रहे हो if use है, इसको हम if then बोलते हैं ना, कि अगर जो Mary है वो exam में अच्छा करती है तो उसको mobile मिलेगा। But इसका ये meaning नहीं है that Mary scores. In this case it means if Mary scores good she will definitely get the mobile phone. But it does not mean that if she performs bad she won't get the mobile phone. पर इसका meaning ये नहीं given कि अगर वो बैड परफॉर्म करती है तो उसको मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, राइट? सो इस प्रपोजिशन का मीनिंग क्या गिवन है? दैट इफ मैरी स्कोर्स गुड इन एग्जामिनेशन आई विल बाय ए मोबाइल फोन फॉर हर। जैसे कि एग्जांपल है, इफ यू स्कोर अबव 90%, कि अगर आप 90% के अबव स्कोर करते हो, मैं इसको ए मान रही हूँ, यू विल गेट ए मोबाइल फोन, इसको बी। इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ए इम्प्लाइज बी, इफ यू स्कोर अबव 90% यू विल गेट ए मोबाइल। आई होप कि आपको पता चल गया है लॉजिक कनेक्टिविटी। पहले मैंने आपके साथ डिस्कस करा था दैट इज कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, और अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इम्प्लाइज। नेक्स्ट इज बाय कंडीशनल। ए प्रपोजिशन, ये जो कनेक्टिव हम यूज कर रहे हैं, बाय कंडीशनल बी इज नोन एज इफ एंड ओनली इफ प्रपोजिशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ, इसको बाय कंडीशनल भी बोलोगे और क्या बोलोगे? इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली If, ये biconditional भी है, right? The classic example of biconditional is, अगर हम इसके example लें, a triangle is equivalent if and only if all its angles are 60 degree each. So this statement means that if triangle is an equivalent triangle, उसके जो angles हैं वो क्या होने चाहिए? 60 degree के होने चाहिए, right? There is one more associated meaning with this statement, which means that if all the interior angles of a triangle are 60 degree, then it is an equivalent triangle. अगर ये चीज नहीं लिखनी है तो आप 60 degree each तक भी लिख सकते हैं, example देने के लिए यहाँ, right? Example हम ले रहे हैं, if you will succeed in life if and only if,
if and only if I, it means by conditional है you work hard. So इसको मैं A मान रही हूँ, इसको मैं B मान रही हूँ. You will succeed in life, you work hard, ये हमने ले लिया. तो हम इसको A by conditional लिखेंगे, you will succeed in life if and only if you work hard. Next is the rule of precedence. ये भी पूछा जा सकता है. The order of precedence in which the connectives are applied in the formula of proposition that has no bracket, जिसमें कोई bracket ना हो, तो ये symbols given हो, तो उनका order of precedence क्या है? Means पहले कौन सी चीज जो है वो formula में solve होगी? पहले हम negation solve करेंगे. देन हम उसके बाद कंजंक्शन सॉल्व करेंगे, देन डिसजंक्शन और एक्सक्लूसिव और सिंबल है, इम्प्लाइज है और बाय कंडीशनल है. तो ये ऑर्डर है जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने फॉर्मूला को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गया है व्हाट इज बाय कंडीशनल, व्हाट इज इम्प्लीकेशन. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग.